श्री चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार किए, स्वीकार यानी क्या है, उन्होंने एक्सेप्ट करे करे, छोटा सा बच्चा था फिर भी महाप्रभु उसको, क्योंकि ना इतना इजी थे महाप्रभु सबके लिए, कोई भी बोल सकता था। दामोदर पंडित, दामोदर ब्रह्मचारी महाप्रभु को टोका टोके थे, है कि नहीं, ये भी मैंने लास्ट टाइम बतलाया था। दामोदर ब्रह्मचारी भी टोके थे, टोके थे इन द सेंस बोले कि एक विधवा के बेटे के साथ क्यों इतना आप नजदीक रहते हो। तो महाप्रभु समझ पाए, देखो मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो ये हम कह रहे थे कि इतना इजी इजी रहे भक्तों के साथ, ताकि कोई भी भक्त हमको गाइड कर सके, हमको सुधार सके। हो सकता है सामने वाला भक्त इतना गुणी ना हो, गुणवान ना हो, उनके अंदर इतने आचरण स्नेह हो, इतने वो नियमों को नहीं पालन करते हो, इतना अच्छे भक्त वो नहीं हो सकते, उतना वो बहुत अनर्थ हो सकते हैं सामने वाले, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो हमको कुछ अच्छी चीज सिखा रहे हैं, उसको स्वीकार कर लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो हमने एक बार, वो हमारे राधिका है ना, हमारे जयंती लाल की बेटी, उसको मैं एक बार बोला, राधिका तुम मोबाइल यूज करे मैं ले जाऊंगा, तो बोलती प्रभु जी आप भी तो यूज कर रहे हो। तो मैं सोचा यार मैं खुद ही यूज कर रहा हूँ, इसको मैं रोक रहा हूँ। तो तुरंत हम सोचे कि यार देखो छोटी बच्ची भी हमको सिखा रही है कि आप भी तो मोबाइल यूज कर रहे हो, ये सही बात है, गलत नहीं है। तो छोटे भी क्यों ना हो, हमें छोटे 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 बहुत बड़े बड़े उपदेश दे देते हैं, बहुत बड़े बड़े शिक्षाएं दे देते हैं कभी कभी। और हम भक्ति में बहुत समय से है जरूर, मगर कभी हम फेल खा जाते हैं, मगर छोटे छोटे बच्चे हमें सिखा देते हैं। इसलिए भक्ति में छोटा बड़ा ना मानकर, अपने आप को छोटा मानकर, सभी क्षेत्र इतना आपके जीवन को ट्रांसपेरेंट करके इजी कर लो, भक्ति के जीवन का हम कह रहे हैं। आप बोलोगे फिर तो हमारे सारा ट्रांसपेरेंट कर ले, हमारा घर का सारा संपत्ति वो तो गड़बड़ हो जाएगा, सबको बता के फिर क्या, नहीं, आपके भक्ति का जीवन को इतना ट्रांसपेरेंट हो, जो आपकी कमियां है ना पता चले जब भक्तों को, खास करके मेच्योरिटी भक्तों के सामने, तो भक्त आपको गाइड कर सकते हैं, मेच्योरिटी भक्त के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उपदेश दे रहे हैं हरि भक्तिनोद ठाकुर कि हमें भक्तों के संग में हरिनाम जप को करनी चाहिए। जब उसके अनर्थ समाप्त हो जाएंगे ना, तब उसे शुद्ध नाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भौतिक शुभ कर्मों को छोड़कर अंत में वो भगवान कृष्ण के हर्षातिरेक प्रेम की शरण लेता है। परंतु जो व्यक्ति एक बार हरिनाम की शरण में आ जाता है, वो उसे कभी नहीं छोड़ता। जब वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो वो शुद्ध नाम जप की स्थिति में पहुंच जाता है। तो जो जप प्रारंभ कर दिए है, हम सभी को अनुभव है, अगर हम कभी जप छूट जाए या बंद कर दे, तो हमें बड़ा बेचैनी हो जाती है। आप लोग बताओ किसी का हिम्मत है जप छोड़ने का? मैं आपको चैलेंज करता हूँ सभी, आप लोग का किसी का हिम्मत है जप छोड़ने का? जप छोड़ के देखो, छोड़ ही नहीं सकते हो जी। हाँ कभी कभार हो सकता है आप कभी छूट गया, दो चार माला ऐसे कभी हो सकता है जीवन में, मगर पूरा पूरा छोड़ दो आप, नहीं हो सकता है। कोई एक दो चार माला भी जप करा, प्रारंभ किया है, वो छोड़ नहीं पाता है, वापस वो कभी ना कभी जपेगा, उससे बेचैनी हो जाती है। हाँ बस एक ही चीज ध्यान रखना कि अभक्तों के संग से थोड़ा दूर रहना। अगर अभक्तों के संग बहुत संग करेंगे, तब आपका जब छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा, आपको कोई गिल्टी भी नहीं फील होगा, आपको बेचैनी भी नहीं होगी, आपको लगेगा सब ठीक ठाक चल रहा है। अगर अभक्तों के संग कम करके भक्तों के संग में रहोगे, तो आप नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते। आपको भले कोई भक्त ना भी टोके कि आप जपते नहीं हो, फिर भी आपको बड़ा गिल्टी फील होगा, यार मैं जप नहीं किया, मैं जप नहीं नहीं छोड़ सकते हैं जी जब को। तो वही यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, अगर कोई जप करना प्रारंभ करता है, तो जीवन में कोई छोड़ नहीं पाता है, और कब तक नहीं छोड़ पाता है, जीवन में कभी नहीं छोड़ पाता है, और अंत में वो शुद्ध नाम को प्राप्त करता है। अतः हरि नाम के साथ किसी भी सत्कर्म की तुलना नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए ये हरिनाम इतने शुद्ध है, सभी को शुद्ध कर सकता है, इसके लिए उसे कोई भी सत्कर्म या सकाम कर्म या कर्म कांड के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, अर्थात हरिनाम और सत्कर्मों के बराबर मानते हैं, वे नाम के अपराधी है।
ठीक है। यदि कोई उस कर्मों से मिलने वाले तुच्छ फलों के लिए श्री हरि नाम से प्रार्थना करते हैं तो वह नाम अपराधी। एक बार पॉइंट करो, छोटे चीजों को, भौतिक चीजों को भी हरि नाम से मांगना भी एक प्रकार के अपराध है। क्या है? कहते हैं यदि कोई उन कर्मों से मिलने वाले तुच्छ फलों को, जो सब कर्मकांड से मिलने वाले फलों को हरि नाम से प्रार्थना करे, हे हरि नाम प्रभु कृपा करके मुझे सुंदर पत्नी प्रदान करे, ये तो आपको कर्मकांड से मिल सकता था, आप हरि नाम को मांग रहे हो तो कहते वो भी नाम अपराधी बन जाएगा। इसलिए भौतिक कोई भी वस्तु हरि नाम को मांगना मीन्स मूर्खता है और एक प्रकार का अपराध है हमारे लिए, भक्तों के लिए, क्योंकि इससे अन्य सत्कर्मों के साथ श्री नाम की साम्य बुद्धि हो पड़ती है। अतः सत्कर्मों के फलों को तुच्छ जानकर हरि नाम का अप्राकृत बुद्धि से आश्रय करो, इसी का नाम अभिधेय ज्ञान है। नाम का अभिधेय ज्ञान यानी क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो तुच्छ सकाम कर्म का तुच्छ फलों को हरिनाम से मिलने वाले फल से तुलना मत करो। हरिनाम हमें प्रेम दे सकता है, बाकी दुनिया के कोई भी साधन आपको प्रेम नहीं दे सकता है। गोलो केरो प्रेम दमन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलो का प्रेम धन है, ये प्रेम दे सकता है। तो इसके लिए आप हम अगर इसको सत्कर्मों के साथ या कर्मकांड के साथ तुलना करेंगे उसके फलों के साथ, तो हमारे क्या हो सकता है? नाम अपराध हो सकता है। तो बाबा इस अपराध का निदान क्या है, कैसे बच सकते हैं अपराध से? कहते हैं अगर कोई हरि नाम के उच्चारण को विभिन्न भौतिक शुभ कर्मों से एक समझता है वो एक अशुभ कार्य करता है। व्यक्ति को इस अपवित्र विचार को जड़ से मिटाने का उद्यम करना चाहिए। पहला उपाय क्या है? इसको तो पहला ही उपाय है कि उसको भूलने के लिए प्रयास करो, उसको मिटाने के लिए प्रयास करो। दूसरा, तभी वह हरि नाम की शुद्धता को जान पाएगा, अंततः तो भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम धन को पाएगा। व्यक्ति को हरि नाम का शुद्ध जप करने वाले एक परित्यक्त गृहस्थ के चरणों की रज को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। दूसरा उपाय, पहला उपाय क्या है यह अपराध से बचने का, कि आपको ये जो विचार है ना इसको जड़ से मिटाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, कैसे? कहते हैं कि कोई परित्यक्त गृहस्थ या परिपक्व गृहस्थ, गृहस्थ कहा गया है, ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं, शुद्ध जप करने वाले गृहस्थ, अभी ढूंढो आप शुद्ध जप करने वाले कोई गृहस्थ के चरणों की रज को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। ठीक है, क्या कोई भक्त का जो शुद्ध जप करता है उसकी रज लेना है, मैं माथे पे लगाओ। व्यक्ति को उसके भोजन के उच्चिष्ट को खाना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है? उनके उच्चिष्ट को खाना है। और तीसरा, उनकी चरण धुलावा जल को पान करना। समझ में आ रहा है? ये तीन तीन कार्य करनी है। पहला, उनका चरण रज को लेके माथे पे लगानी है। दूसरा, उनकी उच्चिष्ट को खानी है। तीसरा, उनकी चरण को धुलावा जल को पान करना। इससे उसका हृदय निर्मल हो जाएगा और उस हरि नाम के शुद्ध जप करने को मिले। कलयुग में सामान्य शुभ कर्म निष्प्रभावी हो जाते हैं, तो हरि नाम ही कलयुग में एकमात्र युग धर्म है। तो भक्तों, उपाय क्या बताए इसमें? उपाय है कि क्या उस चीज को खानी है और उनकी फॉर्मालिटी से नहीं। ऑडियो कट रहा है प्रभु जी, ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है। अब आया है, अब आ गया, ठीक है, म्यूट कर ले आप अपने आप। हाँ, तो उपाय यह है, समझ में आ गया क्या उपाय है? भक्त पद धुलियार, भक्त पद जल, भक्ता भुक्ता अवश्य से, तीन महाबल, ये तीनों को स्वीकारना है। कैसे? विनम्र भाव से और कृतज्ञता के भाव से। सॉरी, कोई अनम्यूटेड है क्या? हाँ, और प्रायश्चित के भाव से।
कौन से भाव से? प्रायश्चित की भाव से, ठीक है। तो ये अपराध से हम मुक्त हो जाएंगे। कौन सा अपराध ये? आठवां नंबर अपराध, जप को शुभ सकाम कर्म कर्म कांड के समान समझना, लेकिन समझना ही मत, समझना में अगर समझ लिया है तो फिर ये नियमों को पालन कर दिया, ठीक है। नवा नाम अपराध क्या है? अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा को उपदेश करना, अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा की उपदेश देना, ठीक है। ये सारा चीजें में बहुत ध्यान रखना जरूरी है, ये हमारे आचरण में डाल देने चाहिए भक्तों, जो हमें अभी सीख रहे हैं अपराधों को, ये अपने आचरण में डाल देना चाहिए, डेली के आचरण में। सिर्फ सुबह तो हम बोलते हैं मंगला के बाद, मगर इसको आचरण में भी डाल देना चाहिए, कहीं गलती से भी ये अपराध ना हो जाए, नहीं तो बड़ा प्रायश्चित बड़ा समय लगेगा। तो भक्तों वैष्णव आचरण बहुत जरूरी है, हम सभी वैष्णव हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं आचरण के बिना तो वैष्णव ही नहीं है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में, हिंदी लेक्चर में कहते हैं आचरण के बिना, सदाचार के बिना वो वैष्णव ही नहीं हो सकता है। तो आचरण का महिमा क्या है? कहा गया है पद्म पुराण में एक जगह पे, बुद्धिम परेश्यम दास्यन्ति लोके बहुविधा जनः। और कोई कोई वीडियो ऑफ रखें क्यों भाई, ऑन करो। सुमन माता जी, उदयलाल बाबू, वीडियो ऑफ रखो, ऑन करो। बुद्धिम आचरण का क्या महिमा है? हमको वैष्णव आचरण कितना जरूरी है और उससे करने से फायदा क्या है, उसका महिमा क्या? बुद्धिम परेश्याम दास्यन्ति लोके बहुविधा जनः, और स्वयं आचरते सोपि नरः कोटि सुदृश्यते। अनेक पुरुषों पुरुष दूसरों को ज्ञान उपदेश तो करते हैं, किंतु करोड़ों लोगों में कोई एक व्यक्ति जो है ज्ञान को आचरण करते हैं। और स्थान स्थितानि पूज्यन्ते पूज्यन्ते च पदे स्थितः, और स्वन भ्रष्टान पूज्यन्ते केशा दंता नखा नरः। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अपने स्थान या पद पर अवस्थित रहने पर ही मनुष्य की पूजा होती है। अगर आप कहते हैं हम भक्त हैं, तो भक्त की स्थान पे रहो, तब स्थान पे रहोगे जब आचरण करोगे। हम बोलेंगे तो भक्त, मगर आचरण हमारा भक्त जैसा नहीं है, तो क्या होगा, हमारा हमें भक्त जैसा नहीं माना जाएगा। स्थान और पद से च्युत होने पर उसकी पूजा नहीं की जाती है। जिस प्रकार शरीर से पृथक होने पर केश दांत और नख का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये नाखून जब तक आपके नाक यहाँ शरीर से टच है तब तक इसका महिमा है, जब काट दोगे तो इसका कोई महिमा नहीं। बाल को भी ऐसे ही नहीं कि नहीं, दांत को भी ऐसे, अगर दांत झड़ जाता है तो उसको लेके आप तिजोरी में समझा के नहीं रखते मेरे शरीर का एक दांत का टुकड़ा है, मैं रखूंगा, कोई वैल्यू नहीं है उसका, नहीं नहीं। वैसे ही अगर हम आचरण से च्युत हो जाते हैं या हम आचरण नहीं करते, वैष्णव आचरण को नहीं फॉलो करते हैं, तो कहते हैं हमारा तो पूजा की तो दूर की बात है, हमारा च्युत हो जाते हैं हम। आचारः परमो धर्मः, आचारः परमं धनम्, आचारः परमा विद्या, आचारः परमा गति, आचारहीन पुरुषो लोके भवति निन्दितः, और परत्र च सुखी न सत्यस्मा आचरण आचरणवान भवेत। क्या कह रहे हैं पता है? यह आचार, आचार जो है ना, आचार यानी खाने वाला आचार नहीं, आम का आचार, नींबू का आचार नहीं, आचार यानी आचरण का बात कर रहे हैं हम। आचार परम धर्म है और आचार उत्तम धन भी है, ये शिव पुराण में का बात कहा गया है। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं इस बात को, बोले कि हे देवी, जो आचार है ना ये परम धर्म है एक्चुअली, और आचार उत्तम धन भी है व्यक्ति का, आचार श्रेष्ठ विद्या भी है। अंगूठा छाप व्यक्ति भी अगर वैष्णव आचरण करता है तो उसको लोग पैर पड़ते हैं,
आचरण अगर सही होगा तो, और बड़ा विद्वान व्यक्ति आचरण सही नहीं तो बेचारे मुंह में थूक के चले जाएंगे। देखो आचरण कितना बहुत जरूरी है हम भक्तों के लिए, और आचार ही परमम गति, वैष्णव सदाचार ही हमारा परम गति है भक्त मारा है। हम जप करते हैं मीन्स हम वैष्णव आचरण कर रहे हैं, एक वैष्णव को जप करनी चाहिए, हम तिलक धारण कर रहे हैं मीन्स वैष्णव आचरण है, धोती कुर्ता पहनना, शिखा रखना, कंठीमाला पहनना, अच्छी से बात करना इत्यादि 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 जो भी भक्ति के अंगों को पालन करते हैं ये सारा हमारे वैष्णव सदाचार आचरण है कि नहीं। अगर इससे और यही परम गति, इसको फॉलो करते रहो यही परम गति है। आचार ही न पुरुष क्या होता है, लोके भवन्ति निंदित, इस संसार में हर जगह पे उसका निंदा मिलती है, उसको निंदा प्राप्त मिलता नहीं मिलता है, आचरण नहीं करने से कितना निंदा मिलती है। जब आचरण करने पर इतना निंदा मिलती है, आप आचरण नहीं करोगे तो कितना निंदा मिलेगा बताओ। चाय पीते ही पीने पर इतना निंदा होती है, चाय नहीं पियोगे नहीं नहीं चाय नहीं पीने से इतना निंदा होती है, उल्टा है ना, चाय पियो तो भी मरो, नहीं पियो तो भी मरो, पियोगे तो भक्त लोग टोकते रहते हैं, नहीं पियोगे घर वाले टोकते रहते हैं, क्या करें, बड़ा दिक्कत वाली बात है। जो भी है भक्तों आचार आचरणहीन होने से उसका हर जगह पे खूब निंदा होती है, परत्र च सुखिम न, क्या बोल रहे हैं, उसको परलोक में भी सुख नहीं मिल पाता है जो सदाचार नहीं पालन करता है, और इसलिए सबके आचरण आचरण बान होना चाहिए, आचरण बान, आचार परमो धर्म, आचार परम तप, आचार द्वर्धते हार्युर, और आचारण पाप समुक्षप, बहुत सुंदर बात कहते हैं। आचार आचरण करने से ना हमारे आयु बढ़ती है, आचार्य उर्धते आयुर, आचरण ठीक ठीक करने से आयु बढ़ती है, कितना लोग को जवानी रहना है, सबको रहना है जवानी, बूढ़ा होना है नहीं, आप आचरण ठीक से करो आयु बढ़े। हम नहीं कह रहे हैं, स्कंद पुराण में इस बात को कहा गया है, पुराण का क्या कहते हैं, आचार्य आचरण उर्धते आयु, आचरण करने से बराबर ठीक ठीक क्या होता है, आयु बढ़ती है, और आचरण प्राप समक्षय, आचरण ठीक ठीक करने से पाप भी धुल जाती है, पाप भी क्या होता है क्षय हो जाती है सारे पाप, इसके लिए आचरण बहुत जरूरी है हमारे लिए, सुंदर आचरण करना। असि चैतन्य महाप्रभु हमें ये शिक्षा दी है आचरण कैसे करना चाहिए। दंते तृणधरी, हमारे आचार्य वृंद दंते तृणधरी इतना विनम्र थे, झुक जाते थे सबके सामने, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए ये जो हम नाम अपराध सीख रहे हैं इत्यादि इत्यादि, ये बहुत जरूरी है कि हमें फॉलो करना है, सिर्फ सीखने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं। दस नाम अपराध हाँ हो गया कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, 10 नाम अपराध हमने क्लास कंप्लीट हो गया, हमने इतनी क्लासेस में 10 या 20 क्लासेस में सारा अपराध हमको सीख गया, अच्छा जी बहुत बढ़िया, फिर हम दूसरे को बताएंगे सिखाएंगे दूसरे को, हमने सीख लिया अच्छा, फिर बस यही है, आचरण करना नहीं है दूसरे को बता नहीं, ये सारे चीजों को हमको आचरण में डालना पड़ेगा, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। तो इसके लिए आचरण बहुत जरूरी है। तो जो नवा नाम अपराध है वो है अश्रद्धालु को कौन किसका बोलना नहीं, हाँ तो अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा को उपदेश करना, ठीक है। तो भक्ति में ठाकुर क्या कहते हैं उसको समझते हैं, बहुत कम प्यारों में भक्ति में ठाकुर इसको वर्णन किए हैं। तो हरि नाम में दृढ़ विश्वास ही मनुष्य को हरि नाम की महिमा सुनने के योग्य बताता है, समझ में आ रहा है,
हरि नाम में दृढ़ विश्वासी मनुष्य को हरि नाम की महिमा सुनने की योग्य बनाता है। जिनके हृदय में हरि नाम के प्रति श्रद्धा का उदय नहीं हुआ है वो हरि नाम की महिमा श्रवण करने योग्य ही नहीं है। योग्यता क्या है हरि नाम जप का, हरि नाम का, कि जिसके हृदय में श्रद्धा हो। श्रद्धा यानी विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय है कि नहीं। श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास। तो जिनका विश्वास है वो भगवान नाम का जप कर सकता है। हरिदास ठाकुर कहते हैं हरि नाम की महिमा का गुणगान उन लोगों को बताना जिनकी भगवान नाम में श्रद्धा ही नहीं है, ये भी एक अपराध माना गया है। देखिए श्रद्धा हो तो हरि नाम को जप कर सकता है, ठीक है। श्रद्धा ना हो तो, अगर श्रद्धा नहीं है उस व्यक्ति को क्या घोल के पिलाओगे हरि नाम, बताओ क्या करोगे? नहीं, श्रद्धा विहीन व्यक्ति को जप ही नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? मगर इसमें बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाई हम लोग का तो कोई श्रद्धा नहीं था फिर भी जपा हम लोगों ने। हमारा तो कोई श्रद्धा नहीं थी, कौन सा श्रद्धा थी? आज भी कौन सा श्रद्धा है ये बताओ? हमारा पहले तो श्रद्धा था नहीं, अभी भी कौन सा इतना श्रद्धा है? वन भक्तो, हमारा हरि नाम में भले ही श्रद्धा नहीं था मगर कहीं ना कहीं हमें साधु गुरु वैष्णव के चरणों में श्रद्धा था। कहीं ना कहीं कौन अनुरोध करके पे? क्या हुआ बासंती माता जी, अनुरोध क्यों है आप? अरे एक्चुअली प्रभु जी तो आवाज कट रही है तो मुझे लगा मेरा आवाज, ओके मेरा आवाज कट रहा है आपको? नहीं मुझे एक्चुअली ऑनगोइंग क्लास में कॉल आ गया था तो इसलिए मुझे लगा कि यहां से सॉरी। ओके सो क्या बोल रहे थे हम? तो श्रद्धा कहीं ना कहीं भक्ति की कई ना कई अंगों में हमको श्रद्धा थी, या कोई साधु के प्रति श्रद्धा था ना कोई इस संस्था के प्रति श्रद्धा हो। कई ऐसे लोग हैं जिनको हरि नाम के बारे में पता भी नहीं है और उनका कोई रुचि भी नहीं, उनको बोलोगे जप करने उनका कोई उतना रुचि नहीं, मगर इस्कॉन के प्रति उनका बड़ा श्रद्धा है और इस्कॉन संस्था है, अच्छा अच्छा जगह, अच्छा दर्शन होती है, अच्छा प्रसाद मिलती है, श्रद्धा है, प्रसाद भी करके प्रसाद के ऊपर भी तो श्रद्धा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंग में उसको श्रद्धा है तो वो श्रद्धा उसको हरि नाम में श्रद्धा दिला दे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर कहा गया है जिसका श्रद्धा ही नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति को हरि नाम बताना ही एक अपराध हो जाएगी। इसी कारण से उस व्यक्ति को नाम ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। श्रद्धा ही केवल नाम नाम प्रति प्राप्ति का अधिकार है, केवल यही सार वस्तु है, ठीक है ना। सार वस्तु क्या है? श्रद्धा जरूरी है। आदौ श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, सर्वप्रथम सोपान में श्रद्धा पहला स्टेप है, पहला ही सोपान पहला ही स्टेप है आदौ श्रद्धा। साधु संगह कहां पर है? ये श्रद्धावान को साधु के प्रति श्रद्धा जब होती है तो क्या होता है, साधु की संग मिलती है तो उसके बाद आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया है कि नहीं, तथा भजन क्रिया ना। तो फिर साधु क्या करता है, उसको श्रद्धा देते रहता है, उसको विश्वास बढ़ाते रहता है हरि नाम के प्रति। साधु गुरु शास्त्र ये तीन बहुत बहुत हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये तीन ही है जो हमको श्रद्धा दे सकता है, श्रद्धा बढ़ा सकता है। या शास्त्र हम पढ़े तो हमारा श्रद्धा बढ़ती है नाम के प्रति, साधु के प्रति, गुरु के प्रति, भक्ति के प्रति। या कोई साधु के संग में रहोगे, साधु हमको बार बार इंस्पायर करते रहते हैं, श्रद्धा श्रद्धा बढ़ाते हैं, हमारा विश्वास को और दृढ़ करते हैं, जकड़ करते हैं। या गुरु, साधु गुरु शास्त्र, तीनों के शरण में व्यक्ति को होना चाहिए। तो इसके लिए श्रद्धा सर्वप्रथम सोपान है और उससे क्या होती है, श्रद्धावान को ही नाम के जप का अधिकारी माना गया है।
वो एक भजन है ना निमय प्रिया मध्य से, कौन सा भजन है वो? श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है गोद नहीं गोद्रु में नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन आती अच्छे नाम हट जीवे कारण फिर क्या कहते हैं श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है श्रद्धावान लोगों के लोग श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है प्रभु आज्ञा है भाई मांगिए भिक्षा क्या भिक्षा श्रद्धावान लोग आइए और मांग के ले जाइए क्या मांगना है भिक्षा मांगना है किस चीज का भिक्षा मांगना है बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा तो अभी नित्यानंद प्रभु क्या करे हैं एक दुकान खोले हैं हट नाम हट हट यानी बाजार नाम हट यानी नाम का बाजार हम लोग हाट कहते हैं उड़िया में बंगला में हाट कहते हैं हाट आप लोग क्या कहते हैं बाजार कहते होगे ना हिंदी में हम लोग हाट कहते हैं हाट तो नाम हट यानी नाम का बाजार तो नित्यानंद प्रभु नाम का बाजार खोले हैं और क्या कहते हैं पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारणा जीवों के लिए ये नाम हट ये नाम का बाजार खोले हैं क्या कहते हैं श्रद्धावान जन है हे श्रद्धावान जन जो श्रद्धा जिनके पास थोड़ा भी श्रद्धा है प्रभु आज्ञा है भाई मांगी है भिक्षा मुझे आज्ञा मिली है महाप्रभु से तो इसीलिए मैं भिक्षा मांग रहा हूँ क्या भिक्षा मांग रहा हूँ बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा क्या करो बोलो कृष्ण ने कृष्ण बोलिए अश्रद्धावान हो आप ठीक है आप जाइए आपका यहाँ काम नहीं है श्रद्धावानों इधर आओ मेरी दुकान में आ जाओ श्रद्धावानों को बुला रहे देख रहे इसका जेब में कितना पैसा है कि नहीं है कोई भी दुकान में जाओगे तो दुकान वाला पूछेगा पैसा है वैसे नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं इसके पास कितना श्रद्धा है पैसा नहीं देख रहे क्या देख रहे कितना श्रद्धा है ठीक है ये श्रद्धावान जन इधर आओ ले जाओ बोलो कृष्ण भज कृष्ण कहो कृष्ण और लहो कृष्ण नाम और कृष्ण धन क्या है कृष्ण का शिक्षा ग्रहण करो अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम श्रद्धावान को बुलाकर नित्यानंद को क्या बोल रहे हैं बोलो कृष्ण बोलो फिर कहते हैं प्लीज अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम अपराध मत करना आप श्रद्धावान हो इसलिए नाम दे रहा हूं मैं आपको इसको अपराध मुक्त होके अपराध बिना करके नाम जपना अपराध शून्य लो शून्य हो लो कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण ये कृष्ण ही हमारे माता है कृष्ण ही हमारे पिता है और कृष्ण ही हमारे धन है प्राण है तो इसके लिए प्लीज है श्रद्धावान प्लीज करके आप क्या करो इस कृष्ण नाम को बिना अपराध करके जप करो कृष्ण र संसार करो छाड़िया नाचार कौन सा संसार करना है कृष्ण का संसार यानी क्या है कृष्ण का संसार खाते समय पीते समय सोते समय बैठते समय हर स्थान पे कृष्ण को केंद्र करना है हमें जो भी कार्य करते हैं कृष्ण के लिए करनी है वो कृष्ण संसार हो गया बच्चों का संसार पति का संसार पत्नी का संसार वो सारा संसार छोड़ के हमें क्या करना है वो कृष्ण संसार कर देनी है कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार अनाचार को छोड़ो अनाचार को छोड़कर क्या करो कृष्ण के संसार करो जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार ये सारे धर्मों का सार है इसके लिए श्रद्धावान उधर आओ हरि नाम लो बिना अपराध का जप नित्यानंद प्रभु न दिया गोत्रो नित्यानंद भक्तों तो श्रद्धा जो है वो बहुत जरूरी है भक्ति के लिए नाम जप करने के लिए
हमें श्रद्धा खूब बढ़ानी है। हमारा श्रद्धा तब बढ़ेगा जब श्रद्धावान के साथ रहेंगे। ऐसे भक्तों की संगति में आना है जिनका खूब श्रद्धा है। जिनका श्रद्धा नहीं है उनके संग में करेंगे, हमारा जितना थोड़ा बहुत श्रद्धा है वो भी मिटिया मिट हो जाएगी, वो हमारा श्रद्धा को खत्म कर देंगे। इसलिए जो श्रद्धावान है उन भक्तों की संगति में रहना। अभी तो जूम से तो हमने ऐसे डिस्कनेक्ट हुए हैं भक्तों से, बाप रे बाप, बड़ा बड़ा दिक्कत होती है अभी भक्तों के साथ में। उन भक्तों के लिए तो बहुत अच्छा है जो बहुत दूर रहते हैं, कम से कम जूम के माध्यम से संगति। हम आसपास रहने वाले भी जूम चाहते हैं, हमें जूम में ही क्लास करना, हम नहीं आएंगे मंदिर, हम साधु संग करना ही नहीं चाहते। बताइए, बड़ा दिक्कत वाली बात है, बड़ा विडंबना है। क्या लगता है आपको? नहीं लगता ये बड़ा सीरियस मामला है? मुझे तो बहुत सीरियस मामला लगता है कि नहीं आना ही नहीं है। इतना आदत पड़ गई जूम का। अभी एक समय तो बहुत अच्छा था, जूम तो बहुत कृपा था, अभी हमारे लिए लगता है कि जूम बड़ा क्या है, श्राप है हमारे लिए। जूम हमारे लिए बहुत बड़ा श्राप बन गई है, हम भक्त के सामने आना ही नहीं चाह रहे। अभी बस इजी से सब कुछ मिल जा रहे, घर पे बैठ के हम नहीं आए, है कि नहीं? या उन भक्तों के लिए ठीक है जो भक्त मंदिर भी आते हैं और जूम में भी आते हैं, वो अच्छा है उनके लिए तो ठीक है। जब बिल्कुल मंदिर नहीं आएगा, सिर्फ जूम में ही आएगा, तब तक गड़बड़ है, है कि नहीं? आइए भक्तों के संग में आइए। मंदिर में कई भक्त है, कोई नहीं तो प्रभुपा जी बैठे हैं, जगन्नाथ जी बैठे हैं, सबसे बड़ा भक्त यहाँ पर प्रभुपा जी, प्रभुपाद महाराज बैठे हुए हैं। आइए आकर आप प्रभुपा जी से मिलिए, उनको प्रार्थना करिए, उनके पास बैठ के थोड़ा जप करिए, प्रभुपा जी के पास देखिए, प्रभुपा जी कितना खुश होंगे आपके और देख के हंसेंगे। आप देखिए अनुभव कर सकते, प्रभुपा जी के पास आगे बैठो, उनके सामने आगे बैठ के प्रभुपा जी को प्रार्थना करो, प्रभुपा जी बहुत खुश होंगे। प्रभुपा जी यही चाहते थे, हमें तो अभी इतना अच्छा सुविधा मिल गया जगन्नाथ जी की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा से सुंदर मंदिर, अभी मंदिर का कितना बढ़िया वातावरण मिल रहा है। उस वहां हम नवरत्न कॉम्प्लेक्स में उतना मंदिर का फीलिंग नहीं आता था, नहीं रही ठीक है। जगन्नाथ जी के सामने तो भक्त हमेशा कहीं भी जगन्नाथ जी रहे हो तो मंदिर ही मानते हैं, पर यस फिर भी वो एक वातावरण चाहिए ना, अनुकूल्य अनुकूल परिस्थिति चाहिए भक्ति के लिए, सभी चीज के लिए। तो अभी उससे थोड़ा और अच्छा अनुकूल वातावरण मिल रहा है मंदिर का वातावरण, प्रॉपर मंदिर, तो आना चाहिए हमें समय निकाल कर, है कि नहीं? प्रभु भगवान के पास हमने देखा यहाँ बहुत अच्छा हो गया उन लोगों के लिए जो यहाँ रहते हैं गोकुलपुरा में। ये गोकुलपुरा है, बहुत अच्छा जगह का नाम है ना, ये जो ये जहाँ पर है ना, ये गंगोकुंड, इसकी बाजू वाला एरिया गोकुलपुरा है। गोकुलपुरा गोकुल, गोकुल में आगे ठाकुर जी जगन्नाथ, द्वारका छोड़कर, द्वारका में थे ना, नवरत्न कॉम्प्लेक्स द्वारका था, द्वारका छोड़कर गोकुल आगे भगवान। और भगवान गोकुल आए तो गोकुल से वापस जाना चाहेंगे थोड़ी ना है, उधर वापस द्वारका। अभी गोकुल में आगे तो कितना अच्छा हमने देखा, हम देख रहे हैं सुबह सुबह बहुत सारे लोग अभी काम में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, हमने देखा बैग लेके आते हैं, वो अभी नियम बना लिए जब से मन ठाकुर, अभी कितना दिन हो गया, 6 दिन हुआ जगन्नाथ जी आए, वो एवरीडे सुबह आते हैं, भगवान को धूप लगाते हैं, थोड़ा प्रसाद लेके फिर ऑफिस जा रहे हैं। कई सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, अभी तक तो हमने इसको बोर्ड नहीं लगाया, अभी लगाएंगे हम, तो लोगों का आदत पड़ गया है, आते हैं यहाँ धूप लगाते हैं, जगन्नाथ जी को देखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे प्रसन्न होते, अरे ये तो पूरी से आ गए ठाकुर जी हमारे गाँव में, ऐसे बोल रहे, ये गोकुलपुरा में आ गए हमारे जगन्नाथ जी, पूरी से आ गए। एक भक्त तो, एक व्यक्ति तो आके एकदम आंखों से आंसू आ गए, उतरते हुए बोल रहे कि महाराज आपने पूरी से ले आया ठाकुर जी को हमारे पास, हम पूरी नहीं जा पाए कभी, मगर यहाँ जगन्नाथ जी आ गए, बड़ा खुश हो रहा था। वैसे नियम बना दिए लोगों ने, अभी सुबह सुबह हम देखते आते हैं, धूप लगाते हैं, थोड़ा बैठते हैं, प्रसाद लेके फिर जाते हैं। और हमारे प्रभु जी आनंद प्रभु जी रोज सुबह प्रसाद भी बना लेते हैं सभी के लिए, जो भी आएंगे उनको प्रसाद मिल रहा है मंदिर में जो आते हैं, बहुत अच्छा है, देखिए आनंद है। तो यस, ये सब श्रद्धावान है, हम ये बात कर रहे थे श्रद्धावान का, ये सब श्रद्धावान उनके लिए कहीं जगह है, यहाँ आ रहे क्यों, श्रद्धा है कहीं ना कहीं उनका, और उन्हीं श्रद्धावान को ही भक्ति प्राप्त होती है।
सज्जाति सत्कुल ज्ञान बल विद्या धन नाम अधिकार दिए न है कारण। सज्जाति उच्च कुल में जन्म लिया है, उच्च जाति में, और सत्कुल बड़ा कुल उच्च कुल है, ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञानी है, बल बहुत बलशाली है, विद्या धन बड़े विद्यावान है, धनवान है, नाम अधिकार दिते ना है कारण, ये सब नाम का अधिकार नहीं है। भक्तिवन ठाकुर कहते हैं ये सब नाम का अधिकार नहीं है, नाम का अधिकार केवल और केवल श्रद्धा है। हरिनाम में दृढ़ श्रद्धा ही व्यक्ति को श्री हरिनाम की महिमा श्रवण कराने के योग्य बनाते हैं। इसी श्रद्धा का वर्णन सारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। साधुजन उस व्यक्ति को हरिनाम प्रदान नहीं करते जिनके हृदय में श्रद्धा का उदय ही ना हुआ हो। मगर हमारे भारत में बहुत श्रद्धा है, लोगों का खूब श्रद्धा है। आप विदेशों में जाएंगे उतना श्रद्धा नहीं मिलेगा, लोगों को पास भोग विलास इतना है तो उनके पास श्रद्धा नहीं है विदेशों में। हम भारत में लोग कहीं ना कहीं श्रद्धा है, ठीक है। साधुजन उस व्यक्ति को हरिनाम प्रदान नहीं करते हैं, किनको, जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है। तो कैसे ढूंढोगे उसके पास श्रद्धा है या नहीं है, कैसे पता कैसे चलेगा कि इसके पास श्रद्धा है या नहीं, क्या उपाय है, कैसे पता चलेगा जी। वो अगर थोड़ा भी रुचि दिखाता है तो श्रद्धावान, बिल्कुल रुचि ही नहीं दिखा रहा है तो फिर वो श्रद्धावान है, श्रद्धावान है अश्रद्धावान, ठीक है। उसको हरिनाम को उपदेश मत दीजिए, थोड़ा भी रुचि दिखाता है तो उसको हरिनाम कर। मगर प्रभुपाद जी जैसे कृपालु संत अश्रद्धावान को भी क्या किए, श्रद्धावान बना दिए। अश्रद्धा इतने बड़े का चलो अश्रद्धावान को भी श्रद्धावान बना दिया प्रभुपाद जी ने। अब बताइए हमें तो श्रद्धावान को ही श्रद्धावान बना नहीं पा रहे, प्रभुपाद जी ने अश्रद्धावान को श्रद्धावान बना, वो इसलिए प्रभुपाद जी है, ठीक है। हम तो श्रद्धावान को ही जीवन में अश्रद्धा ले आते हैं, हमारे आचरण से वो श्रद्धावान हो जाता है। अरे छोड़ो यार कौन जावे, ऐसे लोग ही लोग, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने बोला ना आचरण के लिए, आचरण इतना बढ़िया करो कि अश्रद्धावान भी आपसे मिलता है तो उसको कहीं ना कहीं लोभ हो जाए कि यार इसकी जैसे बनना है, समझ में आ रहा है। अगर कोई अश्रद्धावान भी मिल जाता है तो उसको मन में आ जाना चाहिए तो थोड़ी समय के लिए, यार इतना अच्छा व्यक्ति, इतना अच्छा बात कर रहा है, इतना मधुर बात कर रहा है, इतना अच्छा आचरण, ऐसे बनना है यार मुझे, ऐसे आचरण हमें होना पड़ेगा। और ये अभ्यास वाले हो पाएगा, अभ्यास करते रहे से होगा। तो खैर कहते हैं श्रद्धाहीन व्यक्ति को यदि हरिनाम की प्राप्ति होती है तो वह निश्चित रूप से उसका अनादर करेगा, यही सारे शास्त्र का मत है। अगर अश्रद्धावान को हरिनाम मिल भी जाता है तो वो क्या करेगा, अनादर करेगा, ठीक है। सुअर को रत्न देने से वो उनका चूर्ण करके मिट्टी में डालेगा और बंदर को कपड़ा पहनाने से वो उसे फाड़ कर फेंक देगा। दो उदाहरण देते हैं, सुअर को क्या दोगे, उसको बढ़िया से डायमंड दो सुअर को, ले भाई ले, सुअर क्या करेगा उसको मिट्टी में डालेगा कीचड़ में। बंदर को कपड़ा पहनाओ वो क्या करेगा, फाड़ फूड़ के फेंक देगा, समझ में आ रहा है। वैसे ही है जैसे अश्रद्धावान को आप हरिनाम दो, इसलिए श्रद्धावान बहुत जरूरी। उसी प्रकार श्रद्धा इन व्यक्ति नाम प्राप्त करके स्वयं अपराधी होकर नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ गुरु को भी शीघ्र अभक्त बना देता है। बाप रे बाप, क्या बोल रहे हैं, कहते खुद तो अपराध करके खुद तो नष्ट होगा, वो साथ ही साथ गुरु को भी शीघ्र अभक्त बना देगा, वो गुरु को ही अभक्त बना देगा, वो बताओ बड़ा खतरनाक है अश्रद्धा वाला। इसके लिए श्रद्धावान व्यक्ति को ही हरिनाम का उपदेश देनी चाहिए। हम देखते हैं अगर हम
हम कथा किए, हमने देखा कथा करते हैं तो 300 लोग 400 लोग आते हैं, मगर हरिनाम जप करने की बारी जो आती है उसमें से 15-20 लोग हरिनाम लेते, बाकी लोग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ना हरिनाम के प्रति उनका श्रद्धा नहीं है, और वो 15-20 लोग जो हरिनाम को लेते हैं वो कहीं ना कहीं श्रद्धा है, फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल जाएगा, प्रचारक को पता चल जाता है कौन श्रद्धावान है कौन श्रद्धावान नहीं है। इसलिए प्रचारक बहुत ये होते हैं, चलाक होते हैं, बहुत क्या बुद्धिमान होते हैं, और समझ जाते हैं इसको श्रद्धा नहीं है, इसको इतना बार बोल दिया है, फिर बोलते ठीक है, इसको धीरे धीरे प्रसाद खिलाते हैं। और प्रसाद ऐसा है ना, कितना भी अश्रद्धावान हो बेचारे जीवा में प्रसाद लगते ही श्रद्धावान बन जाता है, लाओ भाई जपते हैं बैठ के प्रसाद मिलेंगे। आप किसको बोलो प्रसाद चाहिए, बोला हाँ बैठ के एक माला जपना पड़ेगा, चलो यार जपना पड़ेगा, प्रसाद नहीं देगा ये, और एक आधा माला जपेगा तो हरिनाम कृपा करेगा इसके ऊपर। तो अश्रद्धावान लगता है, खूब प्रसाद खिलाओ, खूब प्रसाद खिलाओ। अश्रद्धावान को तो सब कुछ प्रसाद है, उसके लिए नाम भी प्रसाद है, प्रसाद भी प्रसाद है, भक्तों का संग भी प्रसाद है, कथा भी प्रसाद है कि नहीं। तो जो भी है वो अश्रद्धावान जो है ना, जिसका श्रद्धा नहीं है, बड़ा खतरनाक है, खुद नष्ट हो जाता है, दूसरों को भी ले गिरता है नीचे। ठीक है, तो और भी थोड़ा चर्चा है इसका, अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा उपदेश देना, इस चर्चा का हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो धन्यवाद, इंटरनेट का थोड़ा कमी है, इसके लिए हम यहीं पर विराम देंगे। कोई जिज्ञासा किसी का आप पूछिएगा, कोई जाइए मत, कोई प्रश्न है तो पूछिए प्लीज, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी, एक वो आपने पॉइंट बताया था ना कि जो शुद्ध जप होता है वो ग्रस्तों के चरणों को मस्तक पे लगाना चाहिए, अगर वो पॉइंट वापस से बताइएगा, वो आपने क्या बताया था आठवें नाम अपराध में? हमने बताया थे जो शुद्ध नाम जप करते हैं उनकी चरण का धूली लेकर माथे पे लगाना है, और वहां मेंशन किए स्पेसिफिक कोई गृहस्थ भक्त का ऐसे मेंशन किया गया, तो गृहस्थ भक्त कोई शुद्ध नाम जप करते हैं उनकी चरण का रज। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी वो अपने एक श्लोक बद कोट किया था अभी, वो भक्त पद धूली ऐसा करके, हाँ वो कौन सा था, क्या है श्लोक? चैतन्य चरितमृत का श्लोक है, कितने बार हमने बतलाया था इस श्लोक को, तो भक्त पद धूली, भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्ता भुक्ता अवशेष, तीन महाबल। और किसका कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बसंत माता जी बोलिए। प्रभु लास्ट में आपने एक्सप्लेन किया कि ये अपराध इतना बड़ा होता है कि इसमें खुद तो आदमी फॉल डाउन होता ही है, साथ में गुरु भी साथ में जाता है, तो मुझे ये क्वेश्चन है कि गुरु तो गुरु तो खुद में ही बहुत स्पिरिचुअली पावरफुल रहते हैं, तो हाउ कैन कि कैसे खुद कोई जा रहा है तो वो गुरु को कैसे लेके जाएगा? देखिए शास्त्रों का कथन है, जब गुरु किसी को स्वीकार करते हैं तो उनका जिम्मेदारी होता है, अगर शिष्य कोई अपराध करता है पाप करता है तो गुरु उनको बहन करते हैं। ठीक है, तो ये एक अपराध है, इसके लिए कोई अश्रद्धावान है तो अगर नाम के प्रति अपराध करेगा तो फिर वैष्णव के प्रति अपराध करेगा तो वो नीचे गिरेगा, तो गुरु को भी वो लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पर उस बात को मेंशन करे हैं भक्तिनोद ठाकुर कि इतना खतरा है कि वो गुरु को भी गिरा सकता है ऐसा, तो बस उसको ऐसे समझेगा। ठीक है ना। और हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला था स्टार्टिंग में कि नाम से हम कुछ मांगे तो वो भी अपराध है, पर एक कई क्लासेस में कहते हैं कि और किसी देवता से मांगे इट्स बेटर कि आप भगवान से ही सब कुछ मांगो, तो ये अपराध कैसे गिना जाएगा? हम्म,
भगवान भगवान से मांगिए, जगन्नाथ से, तो भगवान नाम से मत मांगो, नाम नाम जपते जपते मत मांगो, हरे कृष्णा करते करते जगन्नाथ से मांगो। अच्छा मतलब डिजायर्स नहीं करनी चाहिए नाम जपते वक्त ऐसा? यस यस यस, इच्छा रहित होकर नाम जपते समय इच्छा नहीं, एक ही इच्छा भगवत कृपा प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रभु जी जैसे आपने नाम अपराध नाइन तो अपराध है कि अश्रद्धालु व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत का उपदेश ना देना, बट प्रभु जी जैसे अगर स्कूल में कोई प्रीचिंग करे या फिर फ्रेंड्स में, तो पहले तो सब अश्रद्धालु ही होते हैं जी, तो उनको कैसे फिर मतलब बताते बताते फिर उनका श्रद्धा होता है ना कि अच्छा ऐसा होता है, तो फिर उनको कैसे प्रीच करें? यस, इसके लिए बताते हैं, बताने पर उसमें से कुछ श्रद्धावान बन जाते हैं, कुछ लोग ऐसा है 10 बार बोलने के बाद भी उनका कोई रुचि नहीं रहता है, तो वो अश्रद्धावान होता है, इसलिए उनका रुचि नहीं होती। तो आप देखे होंगे कई लोग आप बोले होंगे, मगर कुछ ही लोग जो आपको एक्सेप्ट करते होंगे, सभी नहीं करते होंगे, तो कई बार बोलने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऊपर से आपको मजाक उड़ाएंगे, तो वो तो अश्रद्धावान है ना, तो उनको और बताने से वो फिर नाम के प्रति अपराध करेंगे, नाम के प्रति चुगली करेंगे, तो इसके लिए ठीक है। और आगे हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो अभी बताया ना श्रद्धालु को हरि नाम का उपदेश नहीं देना चाहिए, तो प्रभु जी फिर उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? हाँ ऐसे उनको भी तो बताएंगे, तभी तो उनको थोड़ी बहुत श्रद्धा होगी ना। देखिए प्रचार खूब करना पड़ेगा, और साथ साथ में प्रचार में प्रसाद खिलाओ, हरिनाम में नचाओ, उनको कैसे ना कैसे नचाओ, प्रसाद खिलाओ, उससे कृपा मिलेगी, श्रद्धावान होंगे फिर नाम जपेंगे, पहले अश्रद्धावान होते हैं, हमने बताया ना, प्रसाद खिलाओ और क्या है, प्रसाद में रुचि आ जाता है तो फिर नाम में भी रुचि आएगा धीरे धीरे। बचाव का बताया निप्रु जी, एक जो पारिवारिक भक्त चरण हम लोग की रज लेना और उसका उच्चिष्ट खाना, और एक एक प्रभु एक बताया था प्रायश्चित भाव से, तो आगे प्रायश्चित भाव से हमने कहा, प्रायश्चित भाव से यानी कि मैं बड़ा क्या बोला, मेरा अपराधी हूँ, तो मैं अपराधी हूँ इसके लिए मुझे क्षमा, ये मेरा अपराध क्षमा हो जाए, ये प्रायश्चित भाव है, ऐसा नहीं घमंड भाव से, प्रायश्चित भाव से, विनम्रता भाव से करना है। और बोलिए, जिनको भूख लगा आप जा सकते हैं, पद्मा माता जी गरम गरम रोटी बेल रहे हैं, रोटी खा सकते हैं। हाँ बोलिए, कौन हाथ उठाए, बोलिए प्रीति माता जी, बोलिए अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये एक इसमें आया है, अभी आपने आठवें में बताया, आठवें अपराध में, कि हरि नाम के साथ सकाम को सत्कर्म या कर्म कांड को समान नहीं समझना चाहिए, उसके बाद बताया छोटी छोटी चीजों के लिए हरि नाम से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। लेकिन प्रभु जी कोई भक्त है, यदि अपन देखते हैं कि यदि भक्त है और कभी कोई बीमार हो गया या कोई ऐसा हो गया, तो अपन तो हरि नाम से ही उनकी वो करते हैं, वहां तो ठीक है, लेकिन कोई अभक्त यदि ऐसी स्थिति में है, तो क्या उसके लिए भी अपने को हरि नाम नहीं लेना चाहिए? ऐसा है माता जी, अगर हमारा उद्देश्य है कि उनको कृष्ण से जुड़ाना है, तब कोई दिक्कत नहीं। ओनली मान लो आप प्रार्थना करते हो कि इसके लिए अच्छा हे भगवान इसको ठीक कर दें, ताकि ये ठीक होने के बाद खूब भोग कर पाए, खूब खाएगा पिएगा मजा करे इसके लिए, तब तो अपराधी है। इस भाव से कि ठीक हो जाएगा तो ठाकुर जी आपका नाम जप कर पाएगा, आपका सेवा कर पाएगा, तो उसके लिए तो हम इसलिए भक्तों के लिए प्रे करते हैं, क्यों? क्योंकि ना उस सेवा से वंचित हो रहा है, तो ठीक होगा तो वापस सेवा में आ जाएगा, ठाकुर जी का नाम जप कर पाएगा भगवान का, तो इसलिए हम प्रार्थनाएं करते हैं भक्तों के लिए। पर तो अगर कोई भक्ति में जुड़ सकता है उनके लिए प्रे करते हैं, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास।
पर प्रभु जी परिवार में कई बार ऐसा होता है कि अभक्त है यानी नहीं है उतनी श्रद्धा नहीं है या आंशिक है, तो उस समय भी ऐसी स्थिति या जो कोई कई बार बहुत विरोधी स्थिति भी होती है तब भी अपन कहते हैं कि नहीं यार इसको तो जीवन तो मिले भाई, अपन उसका बुरा नहीं चाहते करके ऐसा, तब भी हरि नाम क्या उचित है प्रभु जी? हाँ, अगर परिवार में आप कहते हैं तो आप आपका हृदय में यही इच्छा होता है कि मेरे परिवार में ये भी जुड़ जाए, यही इच्छा होता है कहीं ना कहीं हमारी इच्छा होता है कि भक्ति में, तो इसलिए हम प्रार्थना कर लेते ठाकुर जी इनको थोड़ा सा ठीक कर लेते तो आपकी सेवा में जुड़ जाए, ये उद्देश्य तो यही रहता है, तो अल्टीमेटली कृष्ण से जुड़ना वो भक्ति है, कृष्ण से नहीं जुड़ना भौतिक संसार के लिए तो वो फिर गड़बड़ है, भक्ति है। ठीक धन्यवाद, थैंक यू। और कोई कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दो लोग हैं, एक मिनट विनीता माता जी बोलिए, गौरव थोड़ा रुक जाओ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे जैसे कुछ लोग श्रद्धालु मतलब मजाक नहीं उड़ाते हैं और वो करते भी नहीं है, तो उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए प्रभु जी? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, दिक्कत नहीं। मैं इतने साल से कह रही हूँ टीचर सबको, लेकिन सबको मतलब इच्छा है, वो लोग खुश भी होते हैं मैं करती हूँ, तो मतलब कोई भी कोई मेरा मजाक या मैं कुछ अब खाती पीती नहीं हूँ तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ भी होता है करते हैं, लेकिन हाँ करूंगी हाँ करते नहीं है, तो उनके मैं उनके पीछे पड़ के मतलब बोलती रहूं या नहीं बोलूं? हाँ बोलिए ना, तो श्रद्धावान है सब, वो लोग सब श्रद्धावान है, लेकिन करते हैं प्रभु। हमने बोला ना श्रद्धावान अश्रद्धालु कौन है, भक्ति के कोई भी अंग में उसका कोई रुचि नहीं है वो अश्रद्धावान, श्रद्धावान के भी कोई भी अंग में रुचि है तो उनको तो आप बता ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, उनके लिए प्रार्थना भी करिए, प्रे भी करिए उनके लिए कि भक्ति में जुड़ जाए। अब करूंगी अगले महीने से करूंगी, ऐसे करते करते बीता जा रहा है सब, मतलब पता नहीं मन मेरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भले ही वो पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं आपको मगर आप धैर्य रखिएगा कभी तो ये चेक क्लियर होगा। जी थैंक यू जी, गौरव प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि आपने बोला कि जो मटेरियल डिजायर्स होते हैं उसको हमें मतलब हरिनाम से नहीं मांगना चाहिए, लेकिन प्रभु जी कुछ ऐसे डिजायर्स जो हमें मतलब कृष्णा के और भी पास ले जा सकते हैं, जैसे कुछ ऐसी मटेरियल डिजायर्स होते हैं जो हमें कृष्णा के और पास ले जा सकते हैं, तो उनको मांगना सही है या गलत है? फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी, जैसे किसी का घर नहीं है तो वो कृष्णा से घर मांगता है ताकि वो ऑल्टर वहां पर रख सके और फिर टीटी वर्शिप कर सके, तो प्रभु जी ये ऐसे फिर कृष्णा से? ऐसा कोई भौतिक वस्तु या परिस्थिति नहीं है जो हमको भक्ति में बाधक होगा या भक्ति को रुकावट ला सकता है, ना घर ना धन ना संपत्ति ना परिवार जन ना, ये तो हमारा इच्छा है प्रभु, ये हमारा इच्छा है कि हमें चाहिए हमें दिखानी है या हमें कुछ ऐसा, एक्चुअली कोई परिस्थिति भक्ति को रोक नहीं सकता है, घर नहीं तो क्या भक्ति नहीं कर सकते हम, तो अल्टर नहीं है तो क्या भक्ति नहीं कर पाएंगे क्या, बताइए? नहीं ठीक है, पर हाँ अगर शुद्ध इच्छा है मेरा एक छोटा घर हो तो मैं वैष्णव को खूब सेवा कर पाऊं, इस घर पे बुलाकर भगवान को और ठाठ से सेवा कर पाऊं, ठीक है बहुत अच्छा है, मगर क्या होता है प्रभु जी पता है, ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, भावुकता की वाली बात नहीं है, हम फिर घर की चक्कर में ना हमारे समझ में आया प्रभु जी, आपकी वॉइस कट गई थी बीच में, अभी अभी आ रहा है जी प्रभु जी, सर डाटा खत्म हो गया, तो हम ये कह रहे थे कि क्या होता है प्रभु, तो हम घर के लिए प्रार्थना करते हैं वो घर चक्कर में ना हमारा भक्ति डबाडोल हो जाता है, तो मेन भक्ति का उद्देश्य रखिए, जप का उद्देश्य रखिए, ये सारा चीज अपने आप मिल जाएगा, ये अपने आप मिल जाएगा, इसके लिए प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ता है, भगवान जब कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तम माम ये जनो परिपासते तेषां नित्य क्या है तेषां नित्याभियुक्तम योगक्षेमं वहाम्यहम,
जब भगवान ये वचन दे दिए मेरे भजन में लगने वाले को, जो भी चीज जरूरत में लाके दूंगा, तो भी इतना टेंशन लेना है क्यों चाहिए? जब भगवान को पता चल रहा है गौरव प्रभु को क्या चाहिए, तो लाके दे देंगे आपको। उनको सब कुछ पता है ना, श्रुतम सर्वभूतानां ज्ञातम अहम् शान्तिमुच्यति, मैं श्रुतम सर्व सभी का श्रुत हूं मैं, और मुझे सब कुछ पता है जी। तो जरूरत नहीं है मांगने का, भक्तों को तो जरूरत नहीं है भगवान से कुछ मांगना, भगवान को सब कुछ पता है क्या चाहिए हमें, सिंपल बात है। बस ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, और कुछ कोई हाथ उठाया था क्या जी? और कोई है कुछ जिज्ञासा है? 14 तारीख को आप लोग के लिए आमंत्रण निमंत्रण उद्घाटन है, तो हम बहुत दुखी हुए पिछले संडे को कि इतना बड़ा फेस्टिवल में हमारे भक्त कोई दिखे ही नहीं। मैं बहुत दुखी हुआ, और बड़ा इज्जत की बात था, हमने सीनियर भक्त को बुलाया और रथ यात्रा में हमारे गिने चुने हम ही लोग थे बस, एक 15-20 लोग। बहुत शर्मनाक की बात है, इतना समय से प्रचार हो रही उदयपुर में और भक्त वहां पर कोई दिख ही नहीं रहा है। कितना उत्साह होनी चाहिए जगन्नाथ जी का शोभा यात्रा में, किसी का उत्साह नहीं था, कोई वहां दिख ही नहीं रहे थे कोई भक्त। बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैंने, पर बाद में सोचा क्या कर सकते हैं, जगन्नाथ जी का शायद इच्छा नहीं, पर ऐसा स्थिति नहीं लाओ 14 तारीख को इतना बड़ा उद्घाटन है। हमने इतना सभी भक्तों ने मेहनत करके इतना बड़ा मंदिर बनाया जगन्नाथ जी का, तो उद्घाटन में तो आना चाहिए, हमको शर्म आना चाहिए अगर हम समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के पास नहीं पहुंच पाएंगे समय पर, तो फिर क्या कर रहे हैं हम, हमारा जीवन व्यर्थ है फिर, इतना जब तब किस काम का है अगर मंदिर में नहीं पहुंच पाएंगे टाइम से। तो समय से आना चाहिए और लोगों को बुलाना चाहिए हमें। तो 14 तारीख का उद्घाटन है, उस समय तो सबको जिम्मेदारी सेवा करनी चाहिए, बोलना चाहिए मेरा क्या सेवा है बताइए। वो एक दो जन ही भाग रहे थे, वहां भाग रहे थे, यहाँ भाग रहे थे, इसके लिए भाग रहे थे, कोई दिख ही नहीं रहा था फेस्टिवल में। कुछ माताएं हैं कुकिंग कर रहे थे, वो कुछ कुछ भक्त गिने चुने, इतने भक्त जुड़े हुए हैं सेवा के लिए, कोई दिख ही नहीं रहे हैं। ऐसा मीटिंग में थे वो भी नहीं थे, मीटिंग में थे वो भी नहीं थे, सच में सही बात बोला। ये बहुत मीन्स स्थिति गंभीर है, और उस समय मैंने डिसाइड किया था रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को देख के डिसाइड किया, मैं जूम में क्लास सब बंद कर दूंगा, कोई भी क्लास जूम में नहीं होगा, किसी का भी क्लास जूम में नहीं होगा, सब कुछ बंद होगा, कंप्लीटली बंद कर दूंगा 14 तारीख के बाद। अभी बस जूम में, ओ नो जूम, नो जूम, मंदिर में आइए यही क्लास होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, सब बंद होने वाला। मैंने उसी समय जगन्नाथ जी को देख के डिसाइड किया, मैं बहुत दुखी हुआ उस समय। उदयपुर के भक्तों को तो आना चाहिए, उदयपुर के बाहर है ठीक है वो जूम में आ जाए, ऑनलाइन में आ जाए, तो उदयपुर के भक्त तो आना चाहिए। ठीक है, जो भी है हमने अपना दुख बता दिए।